क्या परफॉर्म करने वाले हो आज, इसलिए आए हो यहाँ पे? हम लोग यह इस प्रोग्राम में आए हैं ताकि हम लोगों के उस जज्बे को पहचान सकें, उसको एक्नॉलेज कर सकें जो भीड़ में खोए रहते हैं, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो कर रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी पे असर डाल रहे हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो जज्बा है कि वो उनके आसपास की दुनिया को ठीक करना चाहते हैं. उनको किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी ये ज़रूरत है कि उनको लोगों की ज़िंदगी को ठीक करना है. वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं. तो ऐसे आम आदमी के अंदर जो एक हीरो होता है, एक नायक जो होता है, उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वही हम प्रोग्राम में करने वाले हैं. मदारी का सब्जेक्ट कुछ वैसा ही है कि कैसे एक आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसके सामने जब कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो उसे कुछ मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं, और जब मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं तो कैसे उसको उसका पूरी कहानी अनफोल्ड होती है. आपके रियल लाइफ में कभी सावधान इंडिया में जैसे एपिसोड्स दिखाते हैं, जैसे स्टोरीज दिखाते हैं, उस हिसाब से कुछ इंसिडेंट हुआ है आप शेयर करना चाहोगे? कई बार कई जगह लोगों को देखा है, जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे घूमते हैं शूटिंग के सिलसिले में या वैसे भी जाते हैं, तो पता चलता है कि जो हमें टीवी और अखबारों से कई बार पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ जब आप लोगों से मिलो तो पता चलता है कि कई लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों को सुधार रहे हैं. अच्छी बात है ना. आई वुड ऑल्सो लव टू वर्क विद हर. हम वेट कर रहे हैं, आप जब स्क्रिप्ट लिखोगी वो भी उसका वेट कर रही है. आप जिस दिन स्क्रिप्ट लिखेंगी वो उसी का वेट कर रही है, मैं भी वही वेट कर रहा हूँ. तो आप कोई ऐसा वैसा रोल थोड़ी लिखेंगी जब आप लिखेंगी तो फीमेल ओरिएंटेड होगा तो आप करना चाहोगे? वो तो जब आएगा तब कौन सा ओरिएंटेड है हमें क्या पता. हमने सुना है कि आप सैराट मराठी फिल्म है उसके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखते हो. हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक हिंदुस्तानी सिनेमा का नया स्वरूप है जो कि जिसमें कि ये पावर है कि वो यूनिवर्सल ऑडियंस को एड्रेस कर सके, एंटरटेन कर सके, और हमारी हिंदुस्तानी फिल्म की अभी ज़रूरत है कि हम ऐसा सिनेमा बना सकें जो यूनिवर्सल ऑडियंस तक पहुंच जाए. जैसे कि वेस्ट का सिनेमा हमारे आ रहा है और हमारे जो है बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ऐसी हमें ऐसी फिल्में चाहिए जो कि दुनिया भर में घूम सकें और जो हमारे इंडस्ट्री का परसेप्शन बदल सकें. और सैराट में बहुत खुशी है मुझे कि मराठी सिनेमा से हर साल कोई ना कोई एक बहुत कमाल की फिल्म आ रही है, और ये कई सालों से हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये दौर चलता रहे और नई जनरेशन आके सिनेमा का स्वरूप बदल दे. आपने देखी है सैराट? जी मैंने देखी है. आपको उसकी एक्टिंग पसंद आई? क्या पसंद है? पूरी फिल्म पसंद आई है. उसमें एक एक्टिंग बोलूँगा तो फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी होगी. पूरी फिल्म बहुत खूबसूरत है और नए किस्म की फिल्म है, और ये हमारे आने वाले समय का ये है मनोरंजक सिनेमा जिसमें कि जिसका एक लैंग्वेज नया लैंग्वेज है, नई जबान है. जी और तो काम मिल नहीं रहा, मुझे वेट कर रहा हूँ. मैं खुश रहो, अच्छी फिल्में देखते रहो, और जय हिंद. बारे में है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, एंड इट्स अ लवली स्टोरी, ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो आप प्लीज उसे देखने जरूर जाइए. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मैंने अपमान करा भाई. हेलो, एक मिनट यार, मुझे लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए. तुमको स्मार्टफोन क्यों चाहिए? अरे यार तुम मुझे नहीं चाहिए, तुमने लिखा है. आंदोलनकारी है ना, इधर तोड़फोड़ कर देगा, मारामारी करेगा. ऐसा आंदोलनकारी कौन करेगा तोड़फोड़? मैं भी देखता हूँ. आंदोलन कुकुर साला है, भाग गया. हमेशा ऐसा करता है, हमको आगे करते ना पीछे से भाग जाता है. लेकिन आप डरेगा नहीं, आप अकेला खड़ा रहेगा, आंदोलन करेगा. बंद करो फंक्शन, बंद करो. अरे यार बंद क्यों? आम बोलता है इसलिए बंद करो. तुम हो कौन बंद करवाने वाले यार? आमी कौन? आमी आंदोलनकारी.
আমি মহান আন্দোলনকারী। এই চলবে না চলবে না, বলে না বন্ধ করো, চলো আছে। আরে আরে ইনফোজার বন্ধ কেউ বন্ধ করো। আমি ইত্যা মহান আন্দোলনকারী, তুমি আমার কথা সাবধান ইন্ডিয়া মে কাকো নেই দিখা, নেই দিখা নেই কোই বাত নেই, আমকো সাবধান ইন্ডিয়া কা সম্মান কিউ নেই দিয়া, আমকো সাবধান ইন্ডিয়া কা সম্মান চাইয়ে, চলো। ওকে সমঝ গিয়া স্যার, আপকি প্রবলেম সমঝ গিয়া, আপকো সম্মান চাইয়ে, হ্যাঁ কুছ করনা পড়তা ভাই। লেকিন হমনে ট্রাই কিয়া দেখো, লেকিন হমকো কিন্তু পতা হ্যায় কি আপ লোগ কোশিশ করনে ওয়ালো কো ভি সম্মান দেতা হ্যায়, তো হমকো সম্মান চাইয়ে, কিউ নেই দিয়া। Very sorry sir, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ ये पूरी टीम की गलती है, पता नहीं कैसे छूट गया, किसने छोड़ा आपको? हाँ I mean चलिए ठीक है, हम कोशिश करने वालों को भी सम्मान देते हैं, लेकिन अगर आपने समाज की रक्षा के लिए कुछ जुर्म के खिलाफ कुछ किया है, क्या किया है, हमने क्या ट्राई किया है बताइए। दादा हमने बहुत बड़ा काम किया है, हमने है ना आंदोलन किया है, हमने हेल्थ के लिए आंदोलन किया है, हेल्थ के लिए। वेरी गुड, कैसे किया हमने दादा? बड़ा बड़ा पेड़ है ना काट दिया हमने, बड़ा बड़ा पेड़ जंगल है ना काट दिया, पेड़ काटो आंदोलन किया हमने। यार दिमाग खराब है क्या? पेड़ काटो कोई आंदोलन होता है? पेड़ काटोगे सब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, आदमी नहीं मर जाएगा पेड़ काटने से? दादा तुम एजुकेटेड ना कि पेड़ काटने से पेड़ मरेगा, आदमी कैसे मरेगा? ठीक है भाई साहब, मैं आपको नहीं समझा सकता, चलो अच्छा बताओ पेड़ काटने से आप हेल्थ तक कैसे गए? देखो दादा पेड़ काटेगा ना तो लकड़ी सस्ता होएगा, लकड़ी सस्ता होएगा ना तो बेड सस्ता होएगा, बेड सस्ता होएगा ना तो हम लकड़ी का बेड के ऊपर सोएगा तो हमारा कमर का दर्द दादा ठीक हो जाएगा, तो पेड़ काटो आंदोलन से कमर का दर्द ठीक होगा दादा, हेल्थ का आंदोलन है। अपमान है भाई साहब, बहुत ही दूर की सोचिए, लेकिन इसके लिए सम्मान नहीं दे सकते हम आपको, ये सेल्फिश काम है, अपनी कमर का सोच रहे हो उसके लिए सम्मान चाहिए तुम्हें? दादा कमर का दर्द तो सबको होता है ना, बड़ा को बुजुर्ग को बच्चा को सबको, तुमको है हमको है सबको कमर का दर्द है दादा, तो हमने सबके बारे में सोचा, हमने आंदोलन किया। क्या फालतू बात कर रहे हो आप, इस सबके लिए सम्मान मान हम नहीं दे सकते, आप प्लीज जाइए। तुम क्या हो आदमी है दादा? पानी बर्बाद किया इसके लिए तो जूते पड़ने चाहिए तुमको, तुमको सम्मान चाहिए इसके? अरे दादा उसके लिए तो किया क्या, पहले हमारे पास ना जूता चप्पल नहीं था तो हमने आंदोलन किया, पानी बर्बाद करो, नल वाल सब छोड़ दिया, पानी बर्बाद हो गया, लोगों ने हमको जूता चप्पल मारा, हमने बोला देखो एक चप्पल जूता नहीं मारने का, दोनों मारने का, दोनों मारो, लोगों ने दोनों जूता चप्पल मारा दादा, आज हमारे पास जूता चप्पल का चार दुकान है। भाई साहब अगर आप इसी स्पीड से चलते रहे तो आपकी 8 दुकान हो जाएगी, ऑडियंस भी इसी तैयारी में वेट कर रही, जूते चप्पल मारे बेशरम आदमी हो तुम, निकलो यहाँ से दादा, प्लीज गेट आउट। आंदोलन करने का तो बेशरम होना पड़ता है, हमने 100 आंदोलन किया, 100 सेंचुरी बनाया, बेशरम होकर किया हमने, देखो हमने टूथपेस्ट के अगेंस्ट आंदोलन किया, हमने साबुन के अगेंस्ट आंदोलन किया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, सफाई से कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? सफाई से डॉलर नहीं दादा, लेकिन टूथपेस्ट में नमक डालने कौन बोला, साबुन में मलाई डालने कौन बोला दादा, उसके वजह से नमक और दूध और मलाई का रेट। आंदोलन की साड़ियों की दुकान खोली है, ये पसंद नहीं आजी बोले लो, वो नहीं है बोले लो, मैचिंग वाला ले लो। दादा देखो देखो अभी अगर हमको सम्मान नहीं दिया ना हम इधर मारामारी करेगा, मारामारी तोड़फोड़ करेगा हम बोलता है। अरे क्या मारामारी में क्यों उतर रहे तुम? तुमने जीत का समस्या का हल निकल सकता है आपस में बैठ करके, ये बोलते हैं हमारे खिलाफ फाइट करो यार, ये थोड़ी बोलते हैं। फाइट बैक का मतलब ये हम इतना एजुकेटेड समझा कैसे नहीं? कोई बात नहीं दादा, हम माफी मांगते हैं, गलती हो गया। नहीं नहीं आपको मैं समझाता हूँ, एक मिनट, अभी क्या ये जो हम बोलते हैं सावधान इंडिया में भाई कि वायलेंस नहीं करिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, वो बहुत जरूरी है, हर समस्या का बातचीत से हल निकाला जा सकता है, यही समझाते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों के लिए एक आइटम है, वो आप आइटम देखिए, आप उससे समझ जाएंगे, और आप लोग टेलीकास्ट के दिन देखिएगा, और आपको मैं समझाता हूँ, ऐसे लोगों को अक्सर कोने में ले जाकर समझाना पड़ता है। कोने में दादा, कोने में क्या को? ना हमारे यहाँ एक खास टीम आई है जो उनको समझाना बहुत अच्छी तरह आता है। कौन सी टीम दादा? एक रेड ब्रिगेड टीम है। रेड ब्रिगेड? हमारा आरती उतार के समझाएगा? हाँ हाँ वो नहीं।